ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बैंकॉक, सी फॉर कैनेडा नहीं, ए फॉर अमृतसर, बी फॉर बाघा बॉर्डर और सी फॉर चंडीगढ़ है। विक्की भाई, हाँ कैटरीना कैफ, चाहूँगा आज मोदी साहब ने फोन किया था शाहरुख साहब को कि मित्र मित्र शाहरुख केम छे, तो उन्होंने कहा मोदी साहब 600 करोड़ का एम छे। हेलो वन मनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि पिक्चर का रिव्यू सुनील पाल जी से करते हैं वादा, हम तो कोई जरूर नहीं वादा। यह है ऐसे किशन जी के लिए दौड़ के आ जाती राधा। ओ माय गॉड, ये शेर था थोड़ा साधा, जल्दी आए राधा कोई, मैं तो वही इंतजार में शायर हूं नादा। सर वापस से बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। डंकी देखिए शाहरुख खान की, कैसे लगी आपको पिक्चर? बहुत ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। बहुत सालों के बाद फिल्म बनी है डंकी, जिसका नाम है डंकी। इसके लिए देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उनका फैन ये मंकी, और जो नहीं देखेगा वो है समझ गए ना। फिल्म के लिए मैं कहना चाहूंगा आज ही मोदी साहब ने फोन किया था शाहरुख साहब को कि मित्र मित्र शाहरुख केम छे, तो उन्होंने कहा मोदी साहब 600 करोड़ का एम छे। तो 600 करोड़ के लिए उन्होंने सुबह 6 बजे का जो शो रखा, उसके लिए मैं समझ लू की मेरे जैसा फैन 6 बजे उठ के आया और सिक्स सेंस कहता है कि ये बॉक्स ऑफिस के छक्के छुड़ा देगा। और पहले 2 फिल्म हिट दे चुके, अब आज एक मतलब 2 और 1 21 21 इस रोमांटिक फिल्म को। और क्या कह रहा आपने कि मैं स्टार कितने देना चाहूंगा, वो तो मैं आखिर में पूछूंगा। बाकी कहानी कैसे लगी आपको, मतलब राजू हिरानी और शाहरुख खान पहली बार आए? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ सच बोलना चाहूंगा कि मसाला फिल्म नहीं है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मसाला फिल्म है, हालांकि बहुत चीजें हैं, लेकिन टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है। एक्शन नहीं है, वो नहीं है, रोमांस, मतलब फैमिली साफ सुथरी फिल्म है। लेकिन कहानी दिल को छूती है, हंसते हंसते रोते हो, रोते रोते हंस पड़ते हो। कैरेक्टर ने सभी ने कमाल कर दिया, और मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि उनको समझ में आएगा कि भैया ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बैंकॉक, सी फॉर कैनेडा नहीं, ए फॉर अमृतसर, बी फॉर बाघा बॉर्डर और सी फॉर चंडीगढ़ है। आ जा उम्र अभी है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। इस इमिग्रेशन और डंकी स्टाइल में या विदाउट पासपोर्ट जाने पर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी है, देश परदेश भी बनी थी देव साहब की। मैं समझता हूँ कि लोग जाते हैं वहाँ, हम अभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि विदेश में पढ़ेगा बच्चा, विदेश में नौकरी करेगा बच्चा, वो बच्चा वहाँ जैसा तैसा एडजस्ट हो जाता है। मैंने खुद मैं क्योंकि हम शाहरुख खान के साथ मैं खुद कई बार विदेश जा चुका शो करने के लिए, हम देखते कि वहाँ पे सैटरडे संडे ही शो होता है, बाकी दिन आप शो कर ही नहीं सकते, ये फिल्में नहीं चल सकती शायद वहाँ पे। मंडे टू फ्राइडे आदमी मशीन की तरह काम करता है, और वहाँ पर जो लेबर वर्कर जिसके लिए जाते हैं, जहाँ हम लोग हिंदुस्तानी जाते हैं झाड़ू मारने के लिए, लेबर वर्क इतना महंगा है, इसलिए शायद जाते होंगे, लेकिन वहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत है। वहाँ पे अपने लोग जो करते हैं, गोरे लोग करते हैं, उनको अच्छा पेमेंट मिलता है। इन लोगों को रंग रूप देख के समझ जाते हैं कि इनको कुछ भी तो इनकी मजबूरी है, ये कहाँ भागेंगे, ये कहाँ जाएंगे, कम से कम पैसा दे। तो बेचारे बुरा हाल भुगतते हैं, सच नहीं बता पाते, घर वालों को से छुपाते हैं, और उनको देखते कि 5 लोग और आते हैं, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इनाम पेमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं सब मिट्टी के नाम पर अपनी ज़िंदगी मिट्टी कर देते हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ना करें, अपने बाल बच्चों को सिखाए, ये फिल्म दिखाए। ये फिल्म जो है आपको एक मार्मिक और धार्मिक मैसेज देती है कि दूसरे का माथा लाल देके अपना सर मत फोड़ो, आधी को छोड़ के पूरी के पीछे मत भागो। एब्सोल्युटली, कहानी की बात होगी, शाहरुख खान की बात होगी, अब मैं कटरीना के हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूंगा, कैसे लगे आपको कटरीना के हस्बैंड विक्की कौशल? विक्की भाई, हाँ कटरीना कैफ, मैं समझता हूँ कि आप तो अब इन्होंने जो रोल किया है, मुझे लगता है कि एनिमल का बदला ले लिया इन्होंने, ले लिया गया। सैम बहादुर फिल्म एनिमल ने चलने नहीं दी थी, अब ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी डंकी कि विक्की कौशल डंकी के जरिए अब एनिमल चलने नहीं देगा कहीं पर, और बहुत अच्छा काम किया है। इंटरवल तक ही रोल है इनके बाद, मगर वो सीन इनका जो काम देखा मैंने, तो मैं बताया ना कि हंसते हंसते रो पड़ा, रोते रोते हंस पड़ा, रुमाल मेरे जेब में ही था, और बहुत बार रोना आया मुझे, बहुत बार मैं, बिकॉज हम भारतीय सभी इमोशनल हैं। इस फिल्म को दो इमोशनल स्टारों ने बनाया, एक राजकुमार हिरानी जो इमोशन के बादशाह, और बादशाह ऑफ इमोशन तो आपको पता ही है शाहरुख। तो ये पूरा ही जो कास्टिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि इस कास्टिंग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कास्ट वाले पसंद करेंगे, क्योंकि मुकेश छाबड़ा इस मामले में है बड़ा स्टार। वो जब भी कोई कास्ट करता है तो कैरेक्टर को जिंदा कर देता है,
और मेरी पर्सनल ये इच्छा है कि अगली पिक्चर में शाहरुख के आपको भी कास्ट किया जाए। ओके छाबड़ा, मेरी बात नहीं सुनते, कम से इनकी तो बातें सुनो वरना तुम्हारे मुंह पे केस कर देंगे मुकेश। फाइनली क्या रेटिंग रहेगी सर डंकी के लिए? डंकी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवार के साथ आइए, जरूर आइए, और इस फिल्म को अगर टोटल मीनिंगफुल सिनेमा समझते हुए मैं 4 out of 5 देना चाहूंगा। लेकिन ब्लॉकबस्टर, लेकिन देखेगा जरूर, बहुत साफ सुथरी फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार के साथ देखेगा, और ये मैसेज जरूर घर ले जाइएगा कि अपना घर अपना होता है, बाकी सब सपना होता है ना। जान जोखिम में डालकर कोई चीज़ ना करे, अपने घर वालों के साथ रहे, अपने परिवार वालों के साथ रहे। जिसके पास परिवार है उससे अमीर कोई नहीं है, जिसके पास परिवार नहीं उससे बड़ा फकीर और गरीब कोई है ना। थैंक यू अगेन, लव यू टीम डंकी, आपको बहुत मुबारक हो, और अच्छी फिल्म बनाने के लिए सलाम है, ऐसी फिल्में बनाते रहिए। तमाम बॉलीवुड वाले भी आप देखिए, मीनिंगफुल फिल्में, बॉलीवुड के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आता है, फिल्मी दुनिया वाले हमारे जीत देने वाले, और सालार से कहूँगा कि भैया ये जिद ना करें कि झुकेगा नहीं सालार। थैंक यू।